इस बीच पुतिन को अपनी ताकत दिखाने के लिए नेटो के 5 देशों ने रूस की सीमा के पास युद्ध का अभ्यास किया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो के इस कदम से रूस की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि रूस की सीमा के पास नेटो ने एक से बढ़कर एक फाइटर जेट उड़ाया और यह साफ कर दिया अगर पुतिन ने नेटो देशों को युद्ध में घसीटने की कोशिश भी की तो अंजाम बुरा होगा, क्योंकि पिछले 15 महीनों से जारी इस जंग में पुतिन कई बार नेटो देशों पर हमले की धमकी दे चुके हैं। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से इस संगठन में शामिल 5 देश अमेरिका, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड और चेक गणराज्य ने एक साथ मिलकर रूस की सीमा के पास युद्ध का अभ्यास किया। रूस को ताकत दिखाने के लिए इन 5 देशों ने एक से बढ़कर एक फाइटर जेट हवा में उड़ाए। इस दौरान आसमान में लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने का भी अभ्यास किया गया। यानी नेटो देशों ने इस अभ्यास के जरिए रूस को अपनी वायुसेना की ताकत दिखा दी। नॉर्वे के एयरबेस पर हो रहे इस अभ्यास को डिफेंडर 23 नाम दिया गया, जिसकी मेजबानी नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन ने की। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो जल्द ही अपना सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास करने जा रहा है और आशंका जताई गई कि नेटो के सैन्य अभ्यास से यूरोप और अमेरिका में एयर ट्रैफिक ठप पड़ सकता है, क्योंकि दावा है कि एयर डिफेंडर नाम की इस ड्रिल में नेटो के 25 सदस्य देशों के करीब 250 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे और इस दौरान उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के ऊपर 2000 से ज्यादा बार उड़ान भरी जाएगी। लेकिन दावा किया गया कि इन ताबड़तोड़ उड़ानों की वजह से यूरोप और अमेरिका से आने वाले नागरिक विमानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आशंका जताई गई कि इस ड्रिल की वजह से कई फ्लाइटों को रद्द करना पड़ सकता है। नेटो की एयर डिफेंडर ड्रिल 12 जून से 23 जून तक चलेगी। इधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने एक नया आंदोलन शुरू कर दिया। सूरजमुखी की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग कर रहे किसानों ने एक दिन पहले नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने पानी की बौछार कर किसानों को हाईवे से खदेड़ दिया था। अगले दिन किसान फिर इकट्ठा हो गए और हाईवे पर पहुंचने वाले एक लिंक रोड पर जम गए। किसानों ने सरकार को बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया। पंचायत भी चलेगी, मीटिंग भी चलेगी, धरने भी चलेंगे, रास्ते जाम भी होंगे। किसी भी फसल के लिए MSP एक ऐसी कीमत होती है जो सरकार तय करती है। सरकार उसी कीमत पर किसानों से फसल खरीदती है, लेकिन किसानों का आरोप है कि सूरजमुखी की फसल को सरकार MSP से कम कीमत पर खरीद रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वहां दलित समुदाय के एक दूल्हे की बारात के दौरान लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। पुलिस के मुताबिक दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर गांव में बारात निकाली जा रही थी, लेकिन दूल्हे को घोड़ी पर बैठाने की वजह से वहां दूसरे समुदाय के लोग भड़क गए और गुस्साए लोगों ने दलित समुदाय के दूल्हे समेत बारातियों पर पथराव कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस के जवानों के साथ कई अधिकारी वहां पहुंचे, लेकिन इसके बाद भी पत्थरबाजी नहीं रुकी और उनसे पुलिस की झड़प हो गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि थोड़ी देर बाद हालात पर काबू पा लिया गया और पुलिस की मौजूदगी में बारात निकाली गई। गांव में इस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि गांव में किसी प्रकार की विवाद या उपद्रव की आशंका ना रहे। वहीं इस मामले में पुलिस ने करीब 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उधर 7 साल बाद सऊदी अरब में ईरान का दूतावास खुल गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते ही बहाल हो गए। यानी 7 साल बाद ही सही दोनों देशों के बीच दुश्मनी की खाई पट गई। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ईरान का दूतावास खोल दिया गया, जिसके बाद ईरान के उप विदेश मंत्री अली रेजा बेगदली ने कहा कि अब दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर होंगे। सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक रिश्ते 2016 में टूट गए थे। असल में तब सऊदी अरब में एक शिया धर्मगुरु और 46 अन्य लोगों को मौत की सजा दी गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर दोनों ने साथ आने का फैसला किया। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब पहुंचकर उसकी इसराइल से दोस्ती कराने की कोशिशें तेज कर दी। अमेरिका बीते कुछ वक्त से अपने पुराने साथियों इसराइल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती कराने में जुटा है और उस कोशिश को हकीकत में बदलने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। बताया गया कि बातचीत के दौरान अमेरिका ने सऊदी अरब और इसराइल के बीच रिश्ते सामान्य करने का मुद्दा भी छेड़ दिया। मीटिंग में तय हुआ कि दोनों देश इस विषय पर तब तक बात करते रहेंगे जब तक कोई हल न निकल जाए। इसराइल और सऊदी अरब अमेरिका के तो दोस्त रहे हैं, लेकिन दोनों आपस में दुश्मन हैं, क्योंकि इसराइल की फिलिस्तीन से लड़ाई है और सऊदी अरब की तरह फिलिस्तीन भी अरब मुस्लिम है। ऊपर से सऊदी अरब के साथ अमेरिका के खुद अपने ही रिश्ते बिगड़े पड़े हैं। ऐसे में अमेरिका की मध्यस्थता कितनी कामयाब होगी इसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि ब्रिटेन ने चीन में बने उपकरणों को अपने यहां सरकारी इमारतों से हटाने की तैयारी कर ली। बताया गया कि जिन उपकरणों को हटाया जाएगा उनमें CCTV कैमरे भी शामिल हैं, क्योंकि ब्रिटेन को यह डर है कि चीन अपने उपकरणों के जरिए उसकी जासूसी कर सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक इसीलिए ब्रिटेन में सरकारी दफ्तरों से चीन में बने उपकरणों को हटाने की तैयारी कर ली गई। असल में चीन पर ब्रिटेन लगातार जासूसी करने का आरोप लगाता आया है। ब्रिटेन ने इस साल मार्च में सरकारी मोबाइल फोन पर चीन के वीडियो ऐप टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन दावा है कि अब इसी कड़ी में उसने चीन में बने उपकरणों के इस्तेमाल को कम करने का फैसला लिया। इस बीच ब्रिटेन ने चीन को चेतावनी दे दी कि वो उसकी जमीन पर बने गुप्त पुलिस स्टेशनों को बंद कर दे। ब्रिटेन की सरकार ने इसके लिए एक आदेश भी जारी कर दिया।
जिसमें साफ कह दिया गया कि चीन उसकी जमीन पर बने अपने गुप्त पुलिस स्टेशन तुरंत बंद कर दे। ब्रिटेन ने इसके लिए चीन के दूतावास को चेतावनी भी दी, जिसके बाद वहां बने पुलिस स्टेशनों को बंद कर दिया गया। असल में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि चीन ने अपने नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए ब्रिटेन में कुछ जगहों पर पुलिस स्टेशन खोल दिए, लेकिन जैसे इसकी जानकारी वहां की सरकार को मिली, तुरंत पुलिस स्टेशनों को बंद करने का आदेश दे दिया गया। इधर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद पहलवानों ने 15 जून तक अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। खेल मंत्री के साथ पहलवानों की मुलाकात करीब 6 घंटे तक चली, जिसमें पहलवानों ने अपनी मांगें खेल मंत्री के सामने रखी। और मुलाकात के बाद बाहर आने के बाद पहलवानों ने बताया कि वो 15 जून तक आंदोलन वापस लेंगे, यानी 15 जून तक पहलवान किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। वही है कि 15 तारीख तक वेट करते हैं। खिलाड़ियों को आश्वासन मिला कि उन पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे और खिलाड़ियों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही खेल मंत्री ने यह भी भरोसा दिया कि 30 जून तक कुश्ती संघ के चुनाव करवा लिए जाएंगे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन के फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर में दरारें पड़ गईं, जिसकी कई तस्वीरें पश्चिमी मीडिया में सामने आईं, जिसमें चीन के फुजियन के पिछले हिस्से में दरारें दिखाई दी। और ये दरारें उन हिस्सों में पड़ी जहां से चीन के लड़ाकू विमान उतरते या उड़ान भरते हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये तस्वीरें सच्ची हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर में दरारें पड़ गई हैं, तो ये चीन की नौसेना के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि चीन अपने इस फुजियन युद्धपोत की बड़ाई करते नहीं थकता। उसके इस युद्धपोत की लंबाई 300 मीटर जबकि चौड़ाई 78 मीटर है, जो कि अमेरिका के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेरल्ड आर फोर्ड के बराबर है। यही नहीं, इसमें आधुनिक रडार भी लगाए गए हैं जो 500 किलोमीटर की दूरी तक नजर रख सकते हैं। लेकिन अब इस युद्धपोत में दरारें आने की खबर आई, जो अमेरिका और ताइवान से तनाव के बीच चीन के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस बीच इसराइल ने उन दो लोगों को पकड़ने का दावा किया जिन्होंने सेना की 26,000 गोलियां चुरा ली थी। इसराइल की मीडिया के मुताबिक एक रोज पहले ही सेना के बेस से ये गोलियां चुराई गईं, जिसके बाद इसराइल की सेना में हड़कंप मच गया, क्योंकि इसराइल की सेना के एक बेस में बड़ी आसानी से सेंध लगा दी गई थी। वहां से इतनी बड़ी मात्रा में गोलियां गायब कर दी गई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसराइल की मीडिया के मुताबिक सेना के बेस से कुल 26,000 गोलियां चुरा ली गई थी, जिसके बाद सेना के जवानों ने गोलियां चुराने वाले की तलाश शुरू की और 24 घंटे के अंदर ही दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही उनके पास से चुराई गई 26,000 गोलियां भी बरामद कर ली गईं। हालांकि इसराइल की सेना के बेस से चोरी की ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले उसकी सेना के कई जवानों ने ही हथियारों की चोरियों को अंजाम दिया। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में 22 साल के एक लड़के ने पबजी गेम खेलने से रोकने पर फिनाइल पी ली। उसकी मां ने उसे पबजी गेम खेलने से रोका तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने घर में रखी फिनाइल पी ली, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लड़के की मां ने बताया कि वो काफी देर तक मोबाइल फोन में पबजी गेम खेल रहा था, जिसके बाद उन्होंने कई बार उसे मना किया, लेकिन जब वो नहीं माना तब उसे डांट दिया गया, जिससे नाराज होकर लड़के ने घर में रखा फिनाइल पी लिया। मम्मी ने पबजी खेलने के लिए मना किया था। फिनाइल पीने के बाद लड़के की हालत बिगड़ने के बाद उसे आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। उधर अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस शहर में हवाई जहाज में एक लड़की के हंगामा करने का वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि 25 साल की उस लड़की ने शराब पी रखी थी और वो एक दूसरे यात्री को परेशान कर रही थी। प्लेन उड़ने ही वाला था, लेकिन लड़की की वजह से उसे वापस एयरपोर्ट गेट पर लाना पड़ा और उस लड़की को गिरफ्तार करना पड़ा, लेकिन काफी मशक्कत के बाद, क्योंकि सामने आए वीडियो में दिखा कि वो लड़की अपनी सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए उसे उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसकी सीट से बाहर निकाला गया। लेकिन इसके बाद भी वो टस से मस नहीं हो रही थी, इसलिए उसे हथकड़ी पहनानी पड़ी। हालांकि गिरफ्तारी के अगले ही दिन उसे जमानत दे दी गई। इधर रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को F-16 लड़ाकू विमानों का इंतजार है। जेलेंस्की ने बयान जारी कर दावा किया कि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान मुहैया कराने के लिए कई ताकतवर देशों ने उन्हें यह प्रस्ताव भेजा है, जिस पर जल्द ही आखिरी समझौता हो सकता है। जेलेंस्की ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने वाले किसी ताकतवर देश के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले महीने हुई G7 की बैठक में भरोसा जताया था कि वो यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देंगे और इसके लिए यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लेकिन बाइडेन के इस प्रस्ताव पर अब तक मुहर नहीं लगी है, क्योंकि अमेरिका ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि यूक्रेन को कब और कितने F-16 लड़ाकू विमान दिए जाएंगे।